हेलो गाइस, मैं हूँ समीर और आप देख रहे हैं HVAC एंड इलेक्ट्रिकल चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी मल्टी स्पीड मोटर को, जो कि सिंगल फेस मोटर है, उसे हम किस तरह से कनेक्शन करेंगे, और अगर हमें कनेक्शन नहीं मालूम है तो उसके ड्राइंग को देखकर हम किस तरह से समझेंगे कि इसमें से कॉमन और स्टार्टिंग और रनिंग कौन सा वायर है और हमें उसे किस तरह से कनेक्शन करना है। अगर आपको कनेक्शन नहीं मालूम है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको किसी भी मोटर को कनेक्शन करने में आसानी हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको वीडियो सही तरीके से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आपके सामने जो भी ये ड्राइंग है, ये एक मल्टी स्पीड मोटर का ड्राइंग है, जिसमें कि आज हम इस ड्राइंग पे देखेंगे कि हम किसी ड्राइंग को देखकर किस तरह से मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको मोटर का कनेक्शन नहीं मालूम है तो आपको उस ड्राइंग को देखकर समझना होगा कि कौन सा वायर किस जगह पर कनेक्ट होगा। अगर आप इसकी ड्राइंग में जो दिया हुआ है डायग्राम, अगर आप इस मोटर की वायरिंग को गलत करते हैं, रॉन्ग कनेक्शन करते हैं, तो इससे मोटर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें सही जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी भी मोटर का कनेक्शन किस तरह से करेंगे। तो कनेक्शन करने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो ड्राइंग दिया गया है, इसे किस तरह से रीड करते हैं। तो चलिए बताएंगे, आज हम बात करेंगे स्टूडियो में कि इसे हम किस तरह से कनेक्शन करेंगे। पहले यहाँ पर जो सिंबल है, ये एक कैपेसिटर का सिंबल है। ये एक सिंगल फेस का मोटर है, इसे रन करने के लिए हमें कैपेसिटर चाहिए। और ये मल्टी स्पीड मोटर है, इसलिए आपको इसमें बहुत सारा वायर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक यहाँ से जो कनेक्शन लूप किया गया है, ये एक वायर 9। यहाँ पे टोटल 9 वायर है। तो अब हमें इसमें कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा वायर है, कॉमन है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। तो ये जानने के लिए चलिए देखते हैं। ये जो वाइट वायर है, ये वाइट वायर रनिंग है, ये वाइट वायर रनिंग है, जो कि ये वायर इस जगह पे आकर इस कैपेसिटर पे लगेगा, कैपेसिटर पे वायर आएगा और सेम जगह से वायर लूप होकर मोटर पे चला जाएगा। जैसे कि नॉर्मल कोई भी मोटर का जो रनिंग वायर होता है, वो कैपेसिटर पे कनेक्ट होता है और जहाँ पे मेन पावर आएगा, और सेम जगह पे उसके जो सामने का जो पॉइंट होगा, वहाँ से स्टार्टिंग वायर मोटर पे जाएगा। मतलब मोटर का जो स्टार्टिंग वायर है, वो कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे आएगा और उसके ठीक सामने वाले पॉइंट पे, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये एक कैपेसिटर है, उसके सामने वाले पॉइंट पे मोटर का रनिंग पॉइंट आएगा और एक मेन पावर आएगा। तो अभी ये मेन पावर इस जगह से आया और कैपेसिटर में लग गया, उसी जगह से लूप होकर, उसी वायर से लूप होकर ये रनिंग वायर चला गया मोटर पे। तो रनिंग वायर कनेक्ट हो गया इस मोटर पे, सॉरी कैपेसिटर पे, और ब्राउन वायर जो है, ये स्टार्टिंग है, इस जगह पे कनेक्ट हो गया। तो जो मोटर पे, किसी भी मोटर पे या कंप्रेसर पे तीन मेन वायर होता है, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग, ये तीनों का कनेक्शन हमें हमेशा पता होना चाहिए। तो इस जगह पे कैपेसिटर पे रनिंग और स्टार्टिंग कनेक्ट हो गया। किसी भी मोटर पे रनिंग और स्टार्टिंग ही कनेक्ट होगा। कॉमन वायर जिसमें के डायरेक्ट पावर जाएगा, चाहे वो फेस हो या फिर न्यूट्रल हो। तो यहाँ पे बचता है ब्लैक वायर, ब्लू वायर, रेड वायर, येलो वायर और ऑरेंज वायर। ये सब जो है, ये एक स्पीड का वायर है। HH हाई स्पीड का है, ये भी हाई स्पीड का है, मीडियम, लो और सुपर लो, मतलब के लो से भी स्लो। तो इस जगह पे, और यहाँ पे है ग्रीन येलो, जो कि एक ग्राउंड वायर है। तो ये जो पांच वायर है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांच वायर में से हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा वायर कॉमन है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि कंप्रेसर का कॉमन जो पॉइंट होगा, वो डायरेक्ट पावर से कनेक्ट होगा, चाहे वो न्यूट्रल पे कनेक्ट हो या फिर फेस पे कनेक्ट हो। सेम चीज़ मोटर पे भी अप्लाई होता है। जो कॉमन पॉइंट होगा, वो डायरेक्ट पावर से जाकर कनेक्ट होगा, और मोटर का जो रनिंग पॉइंट होगा, वो जिस पॉइंट पे कैपेसिटर में दूसरा पावर आएगा, जैसे कि मान लीजिए जो
रनिंग सॉरी यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है इस पे हमने एक पावर दे दिया फेस, तो बचता है न्यूट्रल। न्यूट्रल हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर पे, जिस जो पॉइंट कैपेसिटर के जिस पॉइंट पे हम न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट से एक वायर आउट होगा जो मोटर का रनिंग वायर होगा, और कैपेसिटर के जो उसके सामने वाला जो पॉइंट होगा वो स्टार्टिंग वायर होगा। तो ये हो गया स्टार्टिंग वायर, उसके सामने मेन पावर आकर इस जगह पर कैपेसिटर पे इन हुआ। तो इस जगह से हम लूप नहीं कर कर डायरेक्ट इस जगह से लूप कर लेंगे, और ये वाइट वायर जो गया ये हो गया रनिंग वायर। तो अब इसमें जो ब्लैक ब्लू रेड येलो और ऑरेंज ये सब वायर कॉमन है, इसमें से कोई एक वायर कॉमन नहीं है, ये सब वायर ही कॉमन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक चेंजर लगता है कंट्रोलर, जो कि जब आप किसी भी रिमोट से जैसे कि जिसको जो इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए जो रिमोट बनाया जाता है उस रिमोट से आप जब स्पीड को चेंज करते हैं, तो मान लीजिए जैसे कि आप इसमें फेज दे रहे हैं, तो अगर आपको मोटर को टेस्ट करना है तो इस जगह पे एक न्यूट्रल और फेज आप वन बाई वन इस सब वायर पे ट्रांसफ़र करेंगे, वन बाई वन अगर आप इसमें पावर देंगे तो ये मोटर का जो स्पीड है वो स्पीड चेंज होगा। तो ये सब वायर जो है ये सब वायर कॉमन है। तो इसमें एक ग्रीन बॉक्स लगता है जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये बॉक्स में क्या होता है कि जब हम रिमोट से पावर चेंज करेंगे स्पीड को चेंज करेंगे तो कॉमन वायर जो है जो मेन फेज इस कॉमन वायर पे आ रहा था वो अपना जगह चेंज करेगा स्पीड के हिसाब से। अगर हम हाई स्पीड पे रखते हैं तो वो जो फेस होगा वो ब्लैक पे कनेक्ट रहेगा, जैसे ही हम उसका स्पीड थोड़ा कम करते हैं तो वो इस जगह पे कनेक्ट हो जाएगा, इस जगह से छोड़कर इस जगह पे कनेक्ट हो जाएगा। फिर हम उससे भी मीडियम पे करते हैं तो वो यहाँ से डिसकनेक्ट होगा, इस जगह पे कनेक्ट होगा। तो अगर आपको किसी एक स्पीड पे मोटर को रन करना है तो आप डायरेक्ट किसी भी जगह पे कनेक्ट कर दें, चाहे वो इस ऑरेंज पे हो, येलो पे हो, रेड पे हो, ब्लू पे हो या ब्लैक पे हो। अगर आप किसी एक जगह पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं वायर को और बाकी वायर कहीं पे भी कनेक्ट नहीं करते हैं तो भी मोटर रनिंग रहेगा। पर ये वाइट वायर और ब्राउन वायर ये हमेशा कैपेसिटर में कनेक्ट होना चाहिए, जो स्टार्टिंग और रनिंग है, स्टार्टिंग और रनिंग को हमेशा कनेक्ट करना ही है। इस पांच कॉमन में से आप किसी भी एक कॉमन को यूज़ कर कर मोटर को यूज़ कर सकते हैं, मोटर रन होगा। और अगर आपको सब स्पीड को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोलर यूज़ करना होगा जो कि वन बाई वन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और मोटर के स्पीड को चेंज करेगा। और ये जो ग्रीन येलो वायर है यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड, जो ग्राउंड वायर होगा किसी भी मोटर का वो हमेशा ग्रीन और येलो। सो गाइज, ये था प्रोसेस किसी भी मोटर के ड्राइंग को रीड करने का, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी मोटर को किस तरह से कनेक्शन करना है। अगर वो मल्टी स्पीड मोटर नहीं भी है, किसी एसी का कंडेंसर फैन का मोटर है जो कि एक स्पीड पर रनिंग होता है, उस पर भी आपको ड्राइंग इसी तरह से मिलेगा, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि आप उसे किस तरह से कनेक्शन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।